हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। और बहुत सर्दी ठंडियों के दिन चल रहे हैं। आउटसाइड देयर इज टू कूल। तो वंस अगेन आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। नो डाउट टू मच लेट, बट चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते, साथ साथ में बातें भी करते जाएंगे वैसे। तो आज जो वीडियो है वो मैं करने जा रही हूँ फेशियल, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने लोटस का जो फेशियल मंगवाया है, ये मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने लोटस की जो ये वाली रेडियंट गोल्ड किट है, न्यू लॉन्च लोटस ने की है, उसको मैंने अमेजन से ये परचेज की थी। तो मैंने इसका मीन्स शेयर करना था आपके साथ रिव्यू और ये कैसी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। तो आज फाइनली मेरे को टाइम मिला तो मैं चलो आपके साथ शेयर करती हूँ और करके देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो कैसा है। तो इसमें जो ये मैंने इसको अभी ओपन किया है वो तो ये ऐसे पैकेजिंग में आता है। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। और फर्स्ट जो है वो है क्लींजिंग स्क्रब, इसका फर्स्ट स्टेप है। दूसरा है एक्टिवेटर विद 24K गोल्ड लीव्स। फोर्थ स्टेप में इसके आता है मसाज क्रीम और चुप। हाँ, और थर्ड स्टेप में ये मसाज क्रीम आता है और लास्ट में आता है इसका ये मास्क। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्रब से, लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना है, अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो आपके साथ अपने फेस को अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लो। एक्चुअली मेरे फेस में है तो कुछ भी नहीं, मैंने शार्ले के बस मॉइस्चराइजर और टोनर अप्लाई किया था, बट स्टिल कुछ रेसिड्यू अगर रह जाता है किसी चीज़ का, डस्ट, इम्प्योरिटीज़, तो पहले अपने फेस को अच्छी तरह से यू हैव टू क्लीन योर फेस। नेक पार्ट ऑल्सो पहले आएगा इसका फर्स्ट पार्ट, ये है रेडियंट ग्लो स्क्रब, क्लींजिंग स्क्रब, ऑल स्किन टाइप है ये, लोटस हर्बल का, वर्क्स फ्रॉम इनसाइड फॉर स्किन विच ग्लोज। अपना थोड़ा सा आपको फेस को थोड़ा सा ऐसे वेट कर लेना है, यू हैव टू वेट योर फेस। तो ऐसे या फिर मॉइस्ट कर लो थोड़ा सा अपने फेस को। और मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपने फेस को। नेक पार्ट को भी आपने करना है, बट मैं नेक पार्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे जो वार्मर मैंने डाला वो भी वेट हो जाएगा। तो आपको अपने यहाँ पे पहले बैंड लगा लेना है। तो मैंने नहीं लगाया, मेरे पास था नहीं। तो सर्कुलर मोशन में आपको ऐसे इसको स्क्रब को करना है। तो बस इसको मैं वेट वाइप के साथ अब क्लीन कर दूंगी। 2 to 3 मिनट्स आप इसको मसाज कर लो। तो हैंड्स को भी मैंने क्लीन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा ये वाला रेडियंट ग्लो इंस्टेंट ग्लो लाइक ग्लो हर्बल एक्टिवेटर। एक्टिवेटर है इसका सेकंड स्टेप विथ 24K गोल्ड लीव्स। तो इसका मैं देखती हूँ क्योंकि ये इसमें थोड़ा डिफरेंट सा स्टेप है, बाकियों में ये नहीं होता। तो देखते हैं कि कैसे ये करना है। टेक 5 to 7 drops ऑफ एक्टिवेटर, अप्लाई ऑन फेस एंड मसाज 2 to 3 मिनट्स विदाउट वाइपिंग, फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। तो इसके 5 to 7 drops हमने ले लेने हैं और फेस पे अप्लाई कर लेने हैं और इसको वाइप हमने नहीं करना। अभी ला देती हूँ, वेट। तो अप्लाई कर लो अपने सारे फेस के ऊपर और इसको
मसाज कर लो 2 to 3 मिनट्स, इसको भी हमने मसाज करना है। मैंने इसको अच्छी तरह से अपनी स्किन में अब्सॉर्ब करा लिया है। इसको अब हमने वाइप आउट नहीं करना है और डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जो कि है मसाज क्रीम उसके ऊपर आना है। मैं मसाज क्रीम लूँगी, ऐसे इसकी ग्लास वाली वो है कंटेनर, उसमें ये आता है। तो पहले अपने आपने अपने सारे फेस पे अप्लाई कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा अपने हैंड्स को वेट करके सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करना है। और आपको इसकी जो मसाज है 10 to 15 मिनट्स आप यू कैन डू मसाज। तो लास्ट में इसका जो स्टेप है दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये है मास्क। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। मेरी स्किन जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गई है। लास्ट में मैं क्या करूँगी, अपना जो मॉइस्चराइज़र है जिसको जिसकी स्किन पे जो जो वाला मॉइस्चराइज़र सूट करता है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो आप यूज़ करते हो, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेके अपनी स्किन में लास्ट में अप्लाई कर लो, सो दैट कि आपका जो फेशियल है वो लॉक हो जाए। में अपनी स्किन को नरिशमेंट देने के लिए अपना कोई सा भी मॉइस्चराइज़र है वो हमें अप्लाई कर लेना है। मैं
मैं यही बोलूँगी कि इट्स गुड फेशियल और बजट फ्रेंडली। तो एक्चुअली मैंने बड़ी किट ली है, तो मैंने थोड़ा इसको आई थिंक 800 के करीब करीब लिया था अमेजोन से। और मे बी इसका जो स्मॉलर पैकेजिंग है वो भी आती है, मैंने देखी नहीं, मे बी आती होगी। तो इट्स अ नाइस फेशियल और इसके स्टेप्स भी 4 है और बहुत ही कम समय में आप इसको कर सकते हो एनी टाइम। अगर आपको बहुत ही जल्दी में क्विक वे में अपनी स्किन को पैम्पर करना है, यू हैव नॉट इनफ टाइम टू डू लिटल मोर, तो आप इसके साथ जो है अपनी स्किन को अच्छा भला सा पैम्पर कर सकते हो विद 4 स्टेप। और एक ये ब्रांड की है लोटस की, और दूसरा ये कि ये अच्छा आपको जो है ग्लो जो है वो दे देता है। सो इट्स अ नाइस फेशियल और इससे मेरी जो स्किन है वो काफ़ी स्मूद हो गई है। एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगी कि आपकी स्किन जैसी है वैसी ही रहेगी, वो आप ये नहीं बोल सकते कोई सा भी फेशियल हो, ठीक है, कि आपको उसके साथ आपका जो कलर है वो इंस्टेंटली गोरा हो जाएगा, नथिंग एनीथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं होता। फेशियल के साथ हमारे जो स्किन की डेड जो स्किन ऊपर डेड लेयर चढ़ जाती है ना, डेली रूटीन में हम काम करते हैं, आउटगोइंग जो गर्ल्स या लेडीज हैं वो बाहर जाती हैं पोल्यूशन की वजह से या घर में काम करने की वजह से, जो हमारी स्किन में डेड लेयर्स जो होती है वो चढ़ जाती है ना, उसको रिमूव करता है फेशियल जो होता है। और जब वो डेड स्किन आपकी स्किन से हट जाती है तो आपकी जो नेचुरल स्किन है वो मीन्स उबर के बाहर आती है, ये फेशियल का होता है, और जिसके साथ आपका जो नेचुरल ग्लो है वो वापस आ जाता है। सो फेशियल करने का यही होता है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा फेशियल बजट फ्रेंडली, कितनी आपकी जो पॉकेट है अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंगली आप कोई सा भी फेशियल जो है वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप तो बाहर जाकर फेशियल ले सको, तो आप घर में अपने खुद से जो फेशियल है वो कर सकते हो। तो ये है मोक्षु, से हाय टू एवरीवन। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ओके, सो मैं यही बोलूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो टिल देन द नेक्स्ट मैं भी वीडियो, बोलती हूँ और वीडियो को लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा और कमेंट करा, सही करा और योनू उठ गया है। और योनू उठ गया है, तो यस योनू अवेकन अप, वो सो रही थी तो मैंने उतनी देर में वीडियो शूट कर लिया। सो इसी होप के साथ में कि मैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो लेके जरूर आऊंगी। सो टिल देन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू, लव यू। तो योनू इज क्राइंग, सो टिल देन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।